खबर मिर्जापुर से है। राष्ट्रीय पोषण माह मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश जन सहभागिता गौ वितरण करती मझवा विधायक सुचिस्मिता मौर्य के कर कमरों द्वारा पहाड़ी ब्लॉक के सिंधोरा डगमगपुर ग्राम सभा में संपन्न हुआ। मुख्य रूप से उपस्थित CDO पशु चिकित्सा अधिकारी उदय भान तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष रमा शंकर दुबे, सेक्टर संयोजक महेश तिवारी, गणेश गुप्ता, भाजपा के पदाधिकारी व भारी संख्या में लाभार्थी उपस्थित है। पटेल मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या फायदा होगा, ये किनको दिया जा रहा है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जो सुपोषण सप्ताह बना रही है उसके अंतर्गत ये योजना है कि हमने पहले से भी गोआश्रम का हम लोग उद्घाटन कर चुके हैं। जो हमारी गायें यहाँ वहाँ बेकार में घूम रही थी उनको हम एक आश्रय स्थल में रख करके उनका भी पोषण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो हमारे कुपोषित परिवार हैं, जो हमारे बच्चे माल न्यूट्रिटेड हैं, उनको हम एक अच्छा न्यूट्रिशन देने की जो कि माँ के दूध के बाद गाय का दूध को ही संपूर्ण कहा जाता है, तो इसलिए हम इन गायों को जो हमारे यहाँ गौशालाओं में रखी गई हैं उन परिवारों को दे रहे हैं, ताकि वो जो गाय उन परिवारों में जाएँ और वहाँ से एक अच्छा दूध और उन परिवारों को भी जीविकोपार्जन के लिए एक अच्छा माध्यम बनेगा। इससे दोनों की स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। जैसा कि आपके संज्ञान में है, 7 सितंबर से पूरे जनपद में जो पोषण माह है उसको मनाया जा रहा है, उसका शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया है और उसी के तहत उन्होंने एक निर्देश दिया था कि पूरे स्टेट में जहां भी अति कुपोषित बच्चे हैं उन बच्चों के घर वालों को हमारे जो एक आश्रय स्थल है वहाँ पर सहभागिता स्कीम के अंतर्गत जो पशु दुधारू पशु रखे गए हैं।